पहले चाय पियो फिर गप्पे लगाते हैं। एक कविता बोलनी चाहती हूँ। इतने सारे आलू गंदा कर दिया बैग, डांस कर दे एक बार कर दे। एक गुड़िया देखे थे, टूरिज्म से जुड़ा है गांव, तो इसी गांव से बहुत सारे हेलो गाइस एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह के 7 बजे से, और आपको बताते हैं यहाँ के बारे में। और आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। आज मैं जाने वाला हूँ खेत में हल लगाने, आलू निकालने के लिए। तो गाइस आपको बताते हैं उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज का मौसम हो रखा है ऐसा। स्वागत है आपका एक शानदार ब्लॉग में। तो गाइस अभी निकल रहा हूँ मैं खेतों में, आपको बताते हैं। गाइस अभी निकल रहा हूँ मैं खेत में जहाँ पर आलू निकालने हैं, उस वाले खेत में। आप बने रहे हमारे ब्लॉग में, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे मतलब पहाड़ों में आलू को निकाला जाता है। कि आलू के बाद वहाँ पर जैसे हम आलू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम वहीं पर गेहूँ बोएंगे, गेहूँ को डालेंगे, फिर अगले में अगले साल गेहूँ हो जाएंगे, फिर नए वर्ष में 2024 में गेहूँ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ आगे हम। तो गाइस मैं पहुँच गया अभी रोड पे, तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप रोड, और ये रोड है, रोड पे पहुँच गए। और ये सामने वाला इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर बहुत सारे सुराई के पेड़, और ये हमारे वाण विलेज। चलो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अभी मैंने हल लगा दिया यहाँ पर पहुँच के, आप लोगों को बताते हैं। आलू भी निकाल दिया हमने। ये सिस्टर यहाँ पर निकाल आलू को, ये टोकरी है, ये भी यहीं बनाते, इस टोकरी को निंगाल से बनता है, मम्मी ने बना रखा है टोकरी, और उधर मम्मी भी। तो गाइस फाइनली आलू ही नहीं निकल रहे, आलू नहीं निकल रहे। हाँ। इतने आलू हो गए हमारे, इतने सारे आलू देख सकते हैं आप आलू, और इतना यहाँ से वाया, और इतना यहाँ पर, और नीचे भी बैल है भाई, लोगों ने बोर के हैं बैल। तो गाइस अभी हमने हल लगा दिया, काफ़ी सारा चाय पी रहे हैं, ये है चाय। बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी तो हमने बोला चाय पीते हैं। तो हमने एक सोटी वो कर दिया वहाँ नीचे, यहाँ पर ये हमने एक सोटी में वो रख दिया, एक सोटी आलू हो गया हमारे, और इतना मैंने और यहाँ ये वाला खेत बा दिया, और यहाँ से, और ये हमारे बैल उधर उधर उनको भी चुगान पे लगा रखा है, थोड़ा घास घूस खाएंगे। तो गाइस ना हमारे खेत में बहुत ज़्यादा, जो हमारा घर है ना यहाँ से दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर है सीधा ऊपर टॉप पे, और यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं ये सारे सुराई के पेड़ हैं, और ये सारे सुराई के पेड़ ये देख सकते हैं, और यहाँ भी हैं सुराई के पेड़ ऊपर, ये हैं सुराई के पेड़ ये देख सकते हैं। अभी मौसम तो अभी पूरे बादल आ गए इस साइड से। तो फाइनली बहुत थकान लगी थी, आप लोगों को बता रहा था मैं, आलू भाई अब इसके बाद इनकी ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के बाद इनको बीज के लिए रखा जाएगा, और कुछ खाने के लिए रखा जाएगा। तो मिलते हैं आपको। भूख लग गई? हाँ बेटा भूख लग गई, भूख लग गई जबरदस्त। भूख क्या खा रहे अभी? लोटी और चाय और आलू कच्चे आलू। सिस्टर चाय पी रहे, कैसा हो रही चाय? ला, 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 ला। बढ़िया मस्त टेस्टी। आराम से आना है ऊपर, आराम से। निकी दो बहने आ जाओ
आ जाओ आ जाओ, चाय पियो, चाय रखा है यहाँ। बलदेव कर दे। लो अब उठा, हम बैठो यहाँ मल कर लो। तेरा नाम क्या है? तो गाइस चाय पियो, चाय गिला बता दी, बता दी चाय गिला, ये है मुन चाय की गिला, तू बता दी चाय गिला, बता दी आज ना गाल चामा, तू बता दी चाय गिला, तू बता चाय गिला बता, ये चाय की गिला, चाबो क्या, गंदा कर दिया बैग, ये गंदा कर दिया बैग, पूरा गंदा कर दिया। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? हैं? अन्नु, कुमारी अन्नु, हैं? नाम कुमारी। अभी क्या पी रहे? चाय? अब मिट्टी डाल दी क्या? क्या ऐसा? चाय पियो, चाय। पहले चाय पियो, पहले चाय पियो, फिर गप्पे लगाते हैं। चलो, आपने देख लिया होगा छोटे बच्चों को, कैसे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे हंस रहे हैं हमको देख के। ये देखो छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे भाई, ऐसे गांव की जिंदगी है, आपने पहाड़ों में ऐसे रहना पड़ता है। गुड़िया देखो तो, गुड़िया, ए गुड़िया, ऐसे ला रहे गुड़िया। हमने इतने आलू निकाल दिया, अभी इतने सारा कट्टा बना दिया, एक कट्टा। मम्मी क्या है ये? रोटी। हाथ क्या और कैसे? ऐसे खाते हैं बेटा पहाड़ में। तो गैस हमने फाइनली हल कर दिया कल के लिए, बाजार का हमने हल, तो कल भी इसी खेत में आएंगे हम, कल तो हम गेहूं भी लेके आएंगे, और इस गेहूं लेके आएंगे और फिर उसके बाद वहीं पे गेहूं भी बो देंगे। फिर आपको बताते हैं, फिर हमारे बैल भी आ रहे पीछे से, देख सकते हैं आप, और ये रोड पे पहुंच गए हम अभी। ये टूरिज्म से जुड़ा है ये गाँव, तो इसी गाँव से बहुत सारे ट्रैक चलते हैं, मोनाल टॉप ट्रैक और ब्रह्मताल ट्रैक, रूपकुंड ट्रैक, आली बैदनी बुग्याल ट्रैक, इसी गांव से चलता है। फिर बताते हैं आप लोगों को यहां के बारे में, और क्या बताएं, और हमारे ब्लॉग को देखते रहे, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए अपना, अपने भाई गोपी बिस्ट ब्लॉग्स को। गाना लगाओ मुझे। हेलो गाइस, ये है मेरी दादी, वो देखो ये। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। एक कविता बोलनी चाहती हूँ, इसमें जो भी गलती होगी क्षमा चाहती हूँ। वाह देखो माँ, खिलौने वाला फिर से आया है, कई दिनों के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में है, देखने से वाली छोटी सी है, मोटर गाड़ी से 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 चलने वाली, नीली भी है, कई तरह की कई तरह की सुंदर के चाबी बदलने से बक बक करती चलने वाली। धन्यवाद बोलिया, बल्दी बल्दी धन्यवाद। मैं पहाड़न मेरा झुमका पहाड़ी, मेरा कानू का झुमका, मेरी रेशमी साड़ी। मैं पहाड़न
मेरा झुमका पहाड़ी, मेरा कानों का झुमका, मेरे रेशमी साड़ी, मेरे रंगीलो मिजाज, मैं चली पहाड़न, मैं पहाड़न, मेरा झुमका पहाड़ी। दर हट को लेंगा मेरो पिछोड़ी रंगीली, माथा में नीचे जी चोरा बना में शर्मिली, बना में शर्मिली पिछोड़ी रंगीली, बना में शर्मिली पिछोड़ी रंगीली। दर हट को लहंगा मेरो पिछोड़ी रंगीली, माथा में नीचे जी चोरा बना में शर्मिली, बना में शर्मिली पिछोड़ी रंगीली। मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मैंने कुछ नहीं करी यो वीर छोबनो, मैंने कुछ नहीं करी यो वीर छोबनो, हाँ पटन माँ बस सालू का खें चल दी कादी वे जोलो उड़न छो, चल दी कादी वे जोलो उड़न छो। धीरो धीरो तुम दोयो ने स्कूल बटिन ब्यारी कनु कार्य जोर, स्कूल बटिन ब्यारी किले होया गोल। मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मैंने कुछ नहीं करी यो वीरू छबुनु, आप टेन माँ बस तलुकाई यो दी बोली पिज्जा खिलोलू। तुम तो माहितनो मेरो लग छ कमाला, तुम तो माहितनो मेरो लग छ कमाला, लसकी कमरी मेरी, लसकी कमरी मेरी कटके बाबाला, लसकी कमरी मेरी कटके बाबाला। तुम तो माहितनो मेरो लग छ कमाला, तुम तो माहितनो मेरो लग छ कमाला, है लसकी कमर में, लसकी कमर में कतई बबाला। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, आप कैसे हो? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आपका स्वागत है गोपी बिस्ट ब्लॉग से। आप लाइक और शेयर कमेंट कर देना, धन्यवाद।